और दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों चाहे कोई कितना भी मांगे, आप लोगों को अपनी ये चीजें भूलकर भी किसी को नहीं देना चाहिए। आखिर कौन सी है वो चीजें, आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन उससे पहले दोस्तों आप सभी अपने इस चैनल के इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि बाद में आप लाइक करना भूल जाते हैं। रोजाना इस तरह के वीडियो देखने के लिए आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों हमारे धर्म शास्त्रों में कुछ काम करने को मनाही है, कुछ ऐसी चीजें बताई गई हैं जिनका हमें कभी भी दान नहीं करना चाहिए। और तो और अगर हम इन चीजों का दान करते हैं तो हमारे घर में दरिद्रता आती है। दोस्तों हमारे वेदों ग्रंथों में कुछ ऐसी बातें बताई गई है जिनका हमें संसारिक जीवन में जी रहे लोगों को जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। भक्तों आप ये तो जानते होंगे कि कोई भी व्यक्ति जब इस दुनिया से चला जाता है तो उसके साथ साथ उसके सामान को नष्ट कर दिया जाता है या तो फिर इन्हें दान दे दिया जाता है। लेकिन क्या आप अपने से जुड़ी चीजों का दान खुद से कर सकते हैं? भक्तों कुछ चीजों का दान जो आप करते हैं उनका दान करना घर में दरिद्रता को लाने का कारण बनता है। तो चलिए भक्तों आज की इस वीडियो में हम आप सभी को कुछ ऐसी वस्तुओं के बारे में बताएंगे जिनका आप लोगों को भूलकर भी दान नहीं करना चाहिए। पहला नंबर पे है घड़ी। दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं घड़ी समय बताती है, अच्छा या बुरा ये आपकी परिस्थिति पर तय करता है। लेकिन घड़ी जिस भी व्यक्ति की है उस पर उसका पूरा असर पड़ता है। किसी और की घड़ी को अपनी कलाई पर बांधने से आपके लाइफ पर उसका प्रभाव पड़ सकता है। साथ ही साथ आपका आर्थिक नुकसान भी हाथ में ऐसी घड़ी पहनने से हो सकता है। और तो और यदि आप अपनी घड़ी किसी को उधार देते हैं तो ये आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। नंबर दो है पैसे को उधार देना। दोस्तों शास्त्रों में पैसे को उधार देना मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन बताया गया है। वो इसलिए क्योंकि जो धन है वो सभी दुष्कर्मों की उत्पत्ति है। ये किसी को भी अपना बनाने नहीं देता, खासकर रिश्तों में किसी भी प्रकार का लेन देन नहीं करना चाहिए। अब तो धन जो रहता है वो घर में आपसी रिश्तों को खत्म कर देता है। और तो और ये बहुत बड़ी मुसीबत का भी कारण माना जाता है। भाई भाई में झगड़ा, दोस्ती में झगड़ा, रिश्तों में क्लेश सिर्फ और सिर्फ इस धन के कारण ही होता है। नंबर तीन है सगाई की अंगूठी। दोस्तों ऐसा है कि हर लड़की ये अंगूठी अपने होने वाली पति से चाहती है। जीवन संगनी के लिए ये तोहफा उसके लिए बहुत ही ज्यादा खास होता है। लेकिन भक्तों आपके वश में जितना हो उतना ही करें। चादर से ज्यादा पैर फैलाना समझदारी नहीं बेवकूफी कहलाती है। भक्तों आपके लिमिट में जितना हो आप उतना ही खर्चा करें। लिमिट से ज्यादा खर्चा करना आपके लिए मुसीबत खड़ी कर सकता है। नंबर चार में है पेन कलम। दोस्तों कहा जाता है कि हमारे कर्मों को यमराज के यहाँ चित्रगुप्त लिख रहे हैं। अपने लेखनी से वो हमारे जीवन में आने वाली खुशियों का खाता तैयार कर रहे हैं। इसलिए अपना कलम किसी को बांटना या किसी से उधार लेना अपने दैनिक जीवन में परेशानी लाने जैसा है। इसलिए कभी भी किसी से ना तो पेन उधार लें ना ही किसी को पेन उधार दें। भक्तों आज का ये वीडियो बस यहीं तक। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और रोजाना ऐसे वीडियो प्राप्त करने के लिए आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। दोस्तों मैं मिलता हूँ आपसे ऐसे ही इंटरेस्टिंग नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।